सो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइमली उसको फाइल करें ताकि आपको कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े. सो ये मैंने पूरे अच्छे से समझाया है, यहाँ पे डिटेल भी दे दी है कि आपको कौन सी डेट, आपको लाइक डेट का ध्यान रखना है कि इस डेट तक अगर आप फाइल कर देते हो, इन डेट्स तक आप फाइल कर देते हो तो फिर इंटरेस्ट का कोई मैटर ही नहीं आता है. सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या डेट तक हमें ध्यान रखना है, इन डेट्स को ज़रूर ध्यान रखना है. और आप पे इंटरेस्ट रेट 18% से रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है. अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला है रिलीफ फॉर टैक्स स्मॉल टैक्स पेयर्स फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड दैट इज मई जून जुलाई 2020. तो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए फरवरी मार्च और अप्रैल के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, मई जून और जुलाई के लिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है. इन वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू ₹5 करोड़ फर्दर रिलीफ प्रोवाइडेड बाई वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट इन द फॉर्म इन द रिटर्न इफ द रिटर्न द फॉर्म GSTR 3B फॉर द सप्लाईज इफेक्टेड इन मंथ ऑफ मे जून 2020 मे जून एंड एंड जुलाई 2020 आर फर्निश्ड बाई September 2020. सो उन्होंने साफ कह दिया गया है कि अगर आपकी GSTR 3B मतलब कि आपको अपनी मई जून और जुलाई की GSTR 3B अगर आप 30th दैट इज सेप्टेम्बर 2020 लिखा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है सिर्फ सेप्टेम्बर 2020 लिखा गया है, कोई डेट यहाँ पे भी नोटिफाई नहीं करी गई है. नोटिफाई कर दी जाएगी डेट सेप्टेम्बर 2020 तक. इन्होंने एक आपको एस्टिमेशन दे दिया कि सेप्टेम्बर 2020 तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है. अगर आप सेप्टेम्बर 2020 तक रिटर्न फाइल कर देते हो GSTR 3B मई जून और जुलाई मंथ की, तो वेवर हो जाएगा लेट फीस का और इंटरेस्ट का, ना ही लेट फीस लगेगी कोई ना ही कोई इंटरेस्ट लगेगा. तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है. ये थर्ड पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मई जून और जुलाई के लिए क्या है. मई जून और जुलाई के लिए बोला गया है कि अगर आप अपनी मई जून और जुलाई की GSTR 3B को सेप्टेम्बर 2020 जो कि डेट डिसाइड नहीं करी गई है, बाद में नोटिफाई होगी, अगर एस्टिमेशन दिया गया है कि सितंबर 2020 को टारगेट रखना है आपको, सितंबर 2020 तक अगर आप अपने GSTR 3B की रिटर्न को फाइल कर देते हो तो उस केस में आप पर ना तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ना ही कोई लेट फीस लगेगी.